जसप्रीत बुमराह का कहर, अकेले ही कंगारुओं पर भारी, बनाया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में शुरू हो चुका है, जिसके पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। दोस्तों, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 67 रनों पर अपने 7 विकेट गंवा दिए हैं। इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का दबदबा देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह अभी तक इस पारी में 4 विकेट ले चुके हैं। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जसप्रीत बुमराह ने स्टीवन स्मिथ को गोल्ड अंडक पर आउट किया और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर स्टीवन स्मिथ को गोल्ड अंडक पर आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। हालांकि स्टीवन स्मिथ अपने टेस्ट कैरियर में दूसरी बार गोल्ड अंडक पर आउट हुए। इससे पहले साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी स्टीवन स्मिथ को गोल्ड अंडक पर आउट किया था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की पिच थी। दोस्तों, इस टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। पहले दिन भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पूरी भारतीय टीम महज 150 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी खेल की समाप्ति तक 67 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए हैं और अभी भी पहली पारी के आधार पर 83 रन पीछे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पहले टेस्ट मैच में कौन सी टीम जीत हासिल करने वाली है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर।